अब है आपके क्यूब रूट, शॉर्टकट मेथड से और वैदिक मेथड से। ये क्लास टेंथ में है वैदिक मैथमेटिक्स में, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। शॉर्टकट मेथड जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, चाहे CBSE है चाहे NCERT, सब जगह ये रहता है, ये चैप्टर है। इसमें अगर आपको शॉर्टकट में निकालना सबसे ईजी है, आपको दो जोड़े बनाने पड़ते हैं, 3-3 के पेयर बनाने पड़ते हैं। ये 3 है, बाकी वाले इधर आएंगे आपके। अब इस वाले पेयर में ओनली आपको 1 देखना है, मतलब पीछे वाला नंबर, सबसे लास्ट वाला नंबर देखना है। 1 किस में आता है? 1 ओनली 1 में आता है और कहीं नहीं आता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके 1। फिर है आपके ये वाला नंबर, ये नंबर आता है इन दोनों के बीच में, आंसर के बाद छोटा वाला नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 41। अगर 41 को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें रखकर वापस ये आ जाएंगे 68921, क्योंकि ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी है ये। अब आपको अगर यही डिवाइड मेथड में करना हो तो सबसे पहले लेंगे हम ये वाला नंबर 68 लेंगे। 68 कहाँ पर आता है? क्लोज है 4 के क्लोज है, तो ये आएगा आपके 4 का क्यूब, कितना होता है 64। ये हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करना है, तो क्या करेंगे, जैसे माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये होता है आपके 4। अब ये एक नंबर उतार लेंगे यहाँ पर 9, एक नंबर यहाँ उतारेंगे, अगला नंबर यहाँ पर और उसके अगला नंबर आपके यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, यही नंबर वापस यहाँ लिखना है, लेकिन 2 टाइम इसकी तरह ए क्यूब, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो हम ये ए स्क्वायर लिखेंगे, ये लिख दिया ए स्क्वायर, और इधर क्या आएगा आगे आपके 3 आएगा। अब यहाँ आपको b लेके आना है, मतलब ये है आपके 4 4 जा 16 16 3 जा 48। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाता है 48, और यहाँ कितना है 49। 48 में 49 के डिवाइड करेंगे, ओनली 1 टाइम जाता है, रिमाइंडर भी आता है वैसे ये वाला से, लेकिन हमें डिवाइड मतलब 1 टाइम जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। ज़्यादा समझ में नहीं आया तो यही आपको ये आए ना 41, 3 × 4 का स्क्वायर इंटू 1, वो यहाँ लिख देना, और ये आता है 48। ये कर देंगे माइनस, पीछे बचेगा आपके 1। अब क्या करना है आपको, ये लिखना है 3 × a, ये मतलब 4, ये रहा 4, और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4 × 3 = 12, माइनस कर देंगे, 12 − 12 = 0, और लास्ट में आएगा b का क्यूब, मतलब ये रहा इसका क्यूब आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 − 1 = होता है आपके 0। पहले वाले में आंसर जो आया था 41 आया था, अब ये वाला आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपके वही पैर बनाए हैं, 3-3 के पैर बनाए हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें तो देखना है ओनली लास्ट नंबर, 6 में आता है, 6 में आता है, और इसमें इस वाले पैर में देखना है आपको पूरा नंबर, तो पूरा नंबर ये आता है आपके यहाँ पर, इस नंबर के और इस नंबर के बीच में आता है, तो आंसर हो जाए छोटा वाला ये 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड से, अब करना है उस मेथड से। इसमें ये आएगा आपके, ये तो ए कहलाएगा और ये बी कहलाएगा। अब चलो फटाफट यही चीज़ें यहाँ फटाफट लिख दो और फिर माइनस करो, ऑटोमेटिक 0 आएगा यहाँ आपके। अब इससे करेंगे डिवाइड मेथड, 6 36 और 0 5 6। सबसे पहले लेंगे हम ये पहला पैर लेंगे, ये आता है आपके यहाँ पर 8 का क्यूब, तो हम यहाँ लेंगे 8 का क्यूब जो होता है आपके 512, और वो करेंगे हम माइनस, करो माइनस, पीछे बचता है 4 और यहाँ बचता है 2 और यहाँ आता है 1, फिर ये 0 यहाँ लिखेंगे, 5 अगले वाले में और 6 उससे अगले वाले में, नहीं तो आप चाहो बाद में भी लिख सकते हो ये वाला। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 8³ है तो यहाँ आएगा 8² आएगी इंटू, अब यहाँ पर आपको लिखना है 3, ये वाला नंबर 3 8² ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ इंटू। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये नंबर है 1240 और ये होता है 8 64 64 3 जा 64 3 जा होता है 4 12 और 18 + 1 = 19। इसमें इसका डिवाइड करेंगे ना, समथिंग 6 बार जाएगा,
ज़्यादा नहीं जाएगा, 7 टाइम नहीं जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो यहाँ आएगा 6। अब क्या करना है आपको, 192 आया था अभी, अब 192 को हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 12 1, 144 प्लस 115, यह आता है 1152। अब करेंगे यहाँ माइनस करेंगे दोनों, अब दो यहाँ माइनस करेंगे कितना था, 10 में से 2 गया 8, पीछे आ जाएगा आपके 13 में से 5 गया आ जाएगा 8। अब हमें क्या करना है, ये अगला लिखना है, 3 × 8 तो 1 टाइम और 6 आपके 2 टाइम, ऐसा लिखना है, तो कितना आ जाएगा आपके, 3 × 8 = 24 × 36, 24 6 होता है आपके 144, 72 प्लस दोनों ऐड करेंगे कितना आता है आपके 86 आता है, ये आएगा 864। माइनस करेंगे 1 या माइनस करेंगे 2, फिर यहाँ 6 1 टाइम 6 2 टाइम और यहाँ आएगा 6 3 टाइम, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 216, ये आ जाएगा माइनस। इसके हिसाब से आंसर आया है एक तो ये वाला और एक ये वाला, आंसर आ जाएगा 86। ये शॉर्टकट मेथड है और ये आपके वैदिक मेथड है और वही ऐसे करना है। शॉर्टकट के लिए इनको अपना सकते हो कि इससे ये 86 आ गया है तो 88 इसे लिख सकते हो, आप इसका यूज़ कर सकते हो ताकि ज़्यादा ईजी रहे, आसान रहे। अगला है आपके 11, इसमें अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, पहले बनाएंगे पेयर 3 3 के, इसमें देखना है आपको लास्ट डिजिट 2 2 का आता है आपके यहाँ पर, उसके हिसाब से 8 आंसर है और ये नंबर आता है आपके यहाँ पर 314, कहाँ पर है आपके, इन दोनों के बीच में, ऐसा हो जाएगा आपके 6। अभी जाए इसका उल्टा, 6 पहले और 8 बाद में, और मल्टीप्लाई के जो आंसर आए थे वही काम में लेने जो पिछले क्वेश्चन में हमने काम में लिए थे, उसको ऐसे करेंगे। अब यहाँ पहले 6 आ गया तो 6 का क्यूब ये होता है 216, यहाँ माइनस और यहाँ भी कर देंगे हम माइनस करेंगे, तो ये आता है 14 - 6 = 8, 10 - 1 = होता है आपके 9, और ये उतार देंगे यहाँ पर 4। अब ये वाला लिखेंगे हम 3 × 1 कितना आया 6, और जो आपके b है वो ये दे रखा है 8, डिवाइड करेंगे तो यही आएगा आपके 8 आ जाएगा। इसका हमने अभी मल्टीप्लाई किया था अभी पहले, जस्ट इससे पहले ये आया था 864 आया था, माइनस करो तो ये होता है 0, ये होता है 2 और ये होता है 1। अब ये नंबर ये यहाँ 3 लिख देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे हम ये वाला लाइन 3 × 6 × 8 का स्क्वायर, इसका भी हमने पहले किया था, ऊपर वाला यहाँ वाला यहाँ लिखना है, ये वाला यहाँ लिखना है, यह आया था 1152 आया था, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, 51 बचेगा। अब ये 2 यहाँ लिख देंगे, अब लास्ट में आएगा b का क्यूब मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है आपके 512, माइनस करेंगे तो आपके आएगा 0, आंसर क्या रहेगा 68 = ये होगा आपके 68 आंसर। नेक्स्ट है 12 नंबर, इस पहले बनाएंगे शॉर्टकट से, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर, इसमें ओनली 9 देखते हैं, तो 9 किस में आता है 9, और ये जो नंबर है आपके ये आता है आपके यहाँ पर 7 और 8 के बीच में आता है, आंसर हो जाएगा 79, तो यहाँ आएगा 7 3 टाइम, फिर आएगा 3 × 7 का स्क्वायर इंटू 9, यहाँ आएगा 3 × 7 वन टाइम और 9 स्क्वायर, फिर आएगा 9 का क्यूब, फटाफट लिख दो ऐसे। अब यहाँ क्या आएगा आपके 7 का क्यूब होता है 343, जब माइनस करेंगे तो यह आएगा 0, यह आएगा 5 और यह आएगा 1, फिर ये 0 लिखेंगे, ये होता है 7 7 = 49 और 9 3 = 27, 27 9 होता है आपके 243 और 27 4 = 81, ये करेंगे तो आएगा 1053, ये आता है 9 3 = 27 7 7 = 49, 27 7 होता है 243, ये आएगा 1053। अब यहाँ माइनस करेंगे ये होता है आपके 7, फिर ये होता है 4 और ये भी होता है आपके 4, फिर ये 3 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये होता है 9 9 = 81
और 3 7 जा 21, 21 का हो जाएगा 1, 2 बच जाएगा 21, 8 जा 168 प्लस 2 170। यहाँ पर देखो शायद 9327 इंटू 49, तो ये होता है आपके 243। वन मिनट, मल्टीपल से किया ना हमने, ये होता है 243 होता है, और ये होता है आपके 108 होता है, ये होता है 132, ये होता है 132। फिर जैसे मल्टीप्लाई करना है नहीं तो गलत हो जाएगा, ये 7 आएगा, यहाँ पर 9 - 2 = 7 आएगा, और फिर यहाँ आएगा आपके 1। अब माइनस करेंगे तो ये आता है 72, फिर ये 9 यहाँ लिख देंगे, और ये होता है 9 का क्यूब, होता है आपके 729। ऐसा करेंगे। नेक्स्ट है आपकी ये वाला 13, पीछे 7 दे रखा है, 7 आता है 3 में, तो ये हो गया आपके 3 आंसर। अब अगले वाले पैर के लिए आता है 8 आता है आपके यहाँ पर, उसमें क्या हो गया आपके 2। अब यहाँ बीच में क्या आएगा ये पता नहीं, वो आंसर तो हमारे आ गए, तो पहले यहाँ लेना है आप। अब ये क्या करना है आपको, ऐसे पैर लिखने हैं, फर्स्ट पैर यहाँ पर, बाकी वाले यहाँ पर हमें यहाँ पर नोट कर लेना है, लास्ट में ऑटोमेटिक आएगा आपके 0। सबसे पहले लेंगे हम 2 का क्यूब, जो हमारे पास ये आंसर तो आ गया, अब यहाँ क्या आएगा वही निकालना। तो पहले आएगा 2 का क्यूब, वो होता है 8, करेंगे माइनस, यहाँ आएगा 0। अब यहाँ लिखना है आपको 3 × 2 की पावर 2, 2 2 = 4, 4 3 = 12। अब 12 का इसमें कितनी बार जाएगा, अब 12 का अगर हम 1 टाइम भी देते हैं तो भी 12 चाहिए, लेकिन यहाँ तो ओनली 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको देंगे यहाँ पर 0 टाइम, क्योंकि 1 टाइम देने पर ज़्यादा आ जाएगा नंबर, 1 टाइम करने पर भी यहाँ 12 आता है, इसलिए तो यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, माइनस कर दो तो यहाँ 0, ये हो जाएगा आपके 3। अब यहाँ पर आपके 2 तो आएगा 1 टाइम, और 0 आएगा आपके 2 टाइम, 2 1 टाइम और 0 2 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 0, ये हो जाएगा 365। अब यहाँ आएगा आपके 0 का स्क्वायर, तो ये भी 0 ही होता है, देन ए क्यूब, फिर 3 क्यूब, अभी करवाया था जैसे ही करना सेम। अब ये आ गया है आपके 3, 6, 5 और 4। अब क्या करेंगे, वापस यही नंबर लेंगे, ये 2 यहाँ ऐसे बनाएंगे 3 × अब ये आंसर है ना हमारा 0 आ गया है, हमारे पास 2 आंसर आ गए, और ये नंबर कितना बन गया है 20, तो हमें यहाँ पर 20 लिखना पड़ेगा, 2 ए 0 ये 20 लिखना पड़ेगा, और 20 आपको लिखना पड़ेगा 2 टाइम, और यहाँ 20 लिखना है आपको ओनली 1 टाइम। अब यहाँ क्या आएगा आपके पीछे वाला नंबर 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यहाँ 3 टाइम, यहाँ 2 टाइम और यहाँ 1 टाइम, 20 × 9, 3 × 9 और ये होता है आपके 400, ये होता है 3600। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये होता है 54, 9 9 27 27 × 20 होता है आपके 540, माइनस करेंगे तो ये आता है 2 3 की पावर 3, ये होता है आपके 27 इजिकल टू आंसर आ जाएगा 0, ये आपके डिवाइड मेथड द्वारा 3 डिजिट का। नेक्स्ट है का ये वाला 14, इसमें देखो यहाँ पर पीछे 8 है, 8 किसमें आता है 2 में, तो एक आंसर हो गया 2, 1 आता है 1, और एक नंबर बीच में रह गया वो अब हम फाइंड करेंगे, तो पहले आता है 1 का क्यूब, फिर आता है 3 × 1 का स्क्वायर, 3 × 1, अब देखो 1 का क्यूब होता है 1, माइनस करेंगे तो ये आता है 0, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाए, तो वो आपके 0 ही आएगा 0, तो ये आ गया आंसर 102। अब पूरी फॉर्मेलिटीज करनी है, पूरा लिख देता हूँ, देखो यह आएगा 02 टाइम, यह आएगा 03 टाइम, फिर आएगा 3 × 3 × ये आ जाएगा आपके कितना, अब देखो एक तो 1 है और एक 0, दोनों हो गए 10 हो गए, तो 10 की पावर 2 × पीछे दे रखा है 2, 3 × 10 की पावर 1 × 2 की पावर 3, और फिर आएगा 10 2 की पावर 3, ये ऐसा आ गया पूरा कंप्लीट।
यहाँ पर डबल नंबर आएगा, एक और जीरो, दोनों नंबर जुड़ जाएंगे। यहाँ आता है ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, और यहाँ भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। लेकिन देखो ये ज़ीरो है, लेकिन यहाँ भी ज़ीरो है, तो ये सिक्स यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे तो ये होता है सिक्स वन, ये ध्यान रखना है आपको, सिक्स वन हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे टू, सिक्स, सिक्स इंटू हंड्रेड, सिक्स हंड्रेड, ये माइनस करेंगे तो आएगा ट्वेल्व, टू टू जा फोर, टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, यहाँ आएगा स्क्वायर टाइम, टू टू जा फोर, थ्री जा ट्वेल्व, मतलब वन ट्वेंटी। यहाँ माइनस करेंगे ज़ीरो, टू की पावर थ्री होता है एट, एट माइनस एट इजिकल होता है आपके ज़ीरो। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, ये फोर है, पीछे फोर किस में आता है, आप यहाँ पर फोर हो जाएगा, एट आता है टू का क्यूब होता है, इन दोनों बीच में, तो यहाँ आएगा आपके टू। अब बीच में एक नंबर रह गया आपके, अब वो नंबर कौन सा है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले है टू की पावर थ्री, तो ये होता है आपके एट होता है। अब यहाँ हम कर देंगे, अब तो यहाँ पहले पढ़ लिख दो कंप्लीट, एट में एट कर देंगे तो आएगा ज़ीरो। अब यहाँ आएगा थ्री इंटू टू की पावर टू, तो किससे मल्टीप्लाई करें, फोर से आगे जाए, टू टू फोर ट्वेल्व, वन भी लेते तो ट्वेल्व आता है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर जीरो लेंगे। ये जो जीरो जीरो वाले लगातार तीन क्वेश्चन जीरो जीरो वाले ही हैं, थोड़ा इजी रहता है। यहाँ आएगा थ्री इंटू टू वन टाइम और ज़ीरो टू टाइम, या ज़ीरो थ्री टाइम। अब ये दो दो नंबर हो गए, ट्वेंटी हो गया है, यहाँ आएगा थ्री इंटू ट्वेंटी इंटू ये वाला फोर वन टाइम, थ्री इंटू ट्वेंटी इंटू फोर टू टाइम, और फोर की पावर थ्री। यहाँ आएगा ज़ीरो तो पीछे बच जाएगा फोर, यहाँ भी आएगा ज़ीरो तो पीछे बच जाएगा फोर्टी एट, यहाँ भी आएगा ज़ीरो तो ये हो जाएगा आपके नाइन एट फोर, टू थ्री सिक्स, सिक्स फोर जा, ये होता है आपके यहाँ स्क्वायर है, टू टू जा फोर, टू जा एट, सिक्सटीन थर्टी, फोर्टी एट, फोर एट डबल ज़ीरो, सबको मल्टीप्लाई कर देना ऐसे, ट्वेल्व, और ये होता है फोर हंड्रेड, ये आएगा। अब है आपके फोर, अब यहाँ माइनस करो सिक्स और नाइन, फिर ये फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू सिक्स नाइन्टी सिक्स, ये आता है आपके नाइन सिक्सटी, ये आता है सिक्स, और फोर की पावर थ्री का मतलब होता है सिक्सटी फोर। ये सब आपको माइनस देना है, और इसका आंसर क्या आएगा आपके टू ज़ीरो फोर, ये होगा इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।